आदर्श नगर कॉलोनी जो डिमना चौक के पास में ही है, वहाँ काफ़ी गंदा पानी आ रहा है और पानी का सप्लाई भी नहीं हो पा रहा, और पानी देखिए कितना गंदा आ रहा है। ये देखिए, ये पीने लायक पानी बिल्कुल नहीं है। अरे दिए तो कम से कम सही ढंग से पानी दीजिए। हाँ, अच्छा, आपके कॉलोनी में कितना दिन से पानी नहीं आ रहा? हमारे कॉलोनी में 8 दिन से पानी नहीं आ रहा है। 8 दिन से हम लोग प्रॉब्लम में, 8 दिन के बाद पानी, और जो पानी है इतना गंदा पानी हो, पानी ना पीने लायक है ना हाथ धोने लायक है, कोई लायक नहीं। यहाँ पे, यहाँ पर देखिए गंदे पानी का सप्लाई किया जा रहा है, बस्ती के सभी लोग परेशान हैं। ये देखिए हमारे, आप सर, हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, और यहाँ PSD की लापरवाही के चलते, NH के ठेकेदार की लापरवाही के चलते 10 दिन से बस्ती में पानी नहीं आ रहा है, और पानी जो आ रहा है इतना बदबूदार, इतना गंदा पानी आ रहा है कि लोगों का कहना है कि मजबूरी में मेरे बच्चे जब ये पानी पी लिए तो उनका तबीयत खराब हो गया, उन्हें अस्पताल में इलाज कराना पड़ गया। मुझे लोगों ने यहाँ बुलाया, मैं आया, मैं कार्यपालक अभियंता होरोस जी से और जूनियर अभियंता कनीय अभियंता पंडित माथुर से बात किया है, और मैंने उन्हें साफ शब्द में कह दिया कि आज पानी का लाइन का मरम्मत कार्य होना चाहिए, लोगों को कल से शुद्ध पानी मिलना चाहिए। अगर मेरी बात को वो गंभीरता से नहीं लिए और पानी का पाइप का मरम्मत नहीं कराएं, तो आप जो देख रहे हैं जो लोग हैं इन लोगों के साथ लेके एक बड़ा प्रदर्शन हम लोग PSD विभाग के कार्यालय में कल करने का काम करेंगे। हम लोग रोड जाम करेंगे, हम लोग को पानी नहीं मिलेगा, रोड भी जाम करेंगे, पानी नहीं मिलेगा। हम सबों को साफ पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। हम सबों को पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। हम सबों को पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा।